नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल टेक्निकल गार्डनिंग विद अभी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम अपने टमाटर के पौधे पे ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स कैसे लें और कैसे हम अपने टमाटर के पौधे की केयर करें कि हमें बड़ी अच्छी फ्रूटिंग अपने टमाटर के पौधे पे प्राप्त हो। फुल केयर ऑफ टमाटर प्लांट्स हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों आखिरी तक। इससे पहले अगर आप सभी मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलती रहे। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कि टमाटर के पौधे की हमें केयर कैसे करनी चाहिए कि हमें अच्छी संख्या में फ्रूटिंग प्राप्त हो और फ्रूट की साइज़ भी आपको अच्छी मिले। तो जो पहला पॉइंट होता है दोस्तों, हमें टमाटर के पौधे के लिए कि हमें जो पौध हम या तो आप पौध ले आएंगे या फिर सीडलिंग से आप पौध ग्रो करते हैं, तो अगर आप पौध ले आते हैं तो वो किस वैरायटी का है, किस किस्म का है, ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है टमाटर के पौधे में फ्रूटिंग और उसकी साइज़ को। कि अगर आप अच्छी वैरायटी का पौधा ले आते हैं और अच्छी वैरायटी की सीड्स ले आते हैं जिससे आप ग्रो करते हो, तो 90% चांसेस होते हैं कि आपको अच्छे फ्रूटिंग्स मिलेंगी। अब टमाटर के पौध लाने के या सीडलिंग्स लगाने के बाद जो दूसरी चीज़ होती है कि आप किस टाइम पे उस पौध को लगा रहे हो, मतलब कि जो टाइम आपका है टेम्परेचर के हिसाब से, जो टाइम टमाटर के पौधे के लिए सूटेबल है आप उस टाइम पे लगाओगे तो आपको फ्रूटिंग्स अच्छी मिलेंगी। पर अगर आप सर्दियों में, मतलब कि अभी इस सीज़न में आप दिसंबर में पौधे अगर ग्रो करना चाहो तो फिर उसमें आपको फ्रूटिंग अच्छी नहीं मिलेगी। तो जो टमाटर के पौधे ग्रो करने का या प्लांट्स लगाने का जो बेस्ट टाइम होता है वो आप अक्टूबर लास्ट तक किसी भी कंडीशन में पूरा कर लीजिए, क्योंकि जब सर्दियां थोड़ी ज़्यादा होती हैं तो हमारे टमाटर के पौधे में फ्रूट्स आ चुके होते हैं और वो फिर अपनी साइज़ पे फोकस करते हैं। अभी आप पौधे लगाएंगे तो उनकी सारी एनर्जी पौधे को बड़ा करने में होगा, फिर जब सर्दियाँ बीत जाएंगी तो फिर फ्रूट्स आएंगे वो छोटे छोटे रह जाएंगे। तो दूसरी जो चीज़ है कि आप किस टाइम पर पौध को लगा रहे हैं। अब दोस्तों, तीसरी चीज़ जो है कि कैसी मिट्टी आपने अपने पौधे को दी है। अगर आपने रिच मिट्टी दी है अपने पौधे को तो आपके पौधे में अच्छी ग्रोथ होगी और जो उसकी फ्रूट साइज होगी वो भी काफ़ी अच्छी होगी। दोस्तों, टमाटर का पौधा आपको 90 दिनों में, लगभग 90 दिनों के अंदर आप टमाटर हार्वेस्ट करने को मिल जाएगा आपके टमाटर बीज सीडलिंग के बाद से। तो मिट्टी आपको रिच देनी है जिसमें आपको किसी भी पोषक तत्वों की कमी ना हो, इसलिए मिट्टी बनाएं तो उसमें 30% गार्डन सॉयल, 30% काउडंग कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट, साथ में आप कोकोपीट या जौ धान की भूसी मिला सकते हैं, कुछ एंटीफंगल पाउडर, नीमखली, बोन मिल पाउडर या बोन मिल के जो टुकड़े होते हैं वो आप इसमें मिला सकते हैं। तो इस प्रकार आप मिट्टी तैयार करें और सही टाइम पे, सही सीजन में अच्छी सीडलिंग्स लगाएं। 95% चांसेस आपके बढ़ जाते हैं कि आपको टमाटर की पैदावार अच्छी मिले और बड़ी साइज़ में मिले। अब इसके बाद दोस्तों, ये सारी चीज़ें आपने कर ली फिर भी अगर नहीं मिल रहा है तो उसमें आपके पौधे के जो फ्लावर ड्रॉप्स होते हैं उनके कुछ मेन रीजंस होते हैं। सनलाइट का कम होना, आपके पौधे को सनलाइट पूरी तरह से ना मिल पा रही हो, या फिर आपने ओवर वाटरिंग की हो। ओवर वाटरिंग की वजह से भी आपके पौधे ख़राब होते हैं, सीड प्लांट्स की जो ग्रोथ होती है रुकती है। देखिए, इस प्रकार छोटे फल टूट के गिर जाते हैं। तो फिर आपको चौथी केयर करनी है कि आपको पौधों को फुल सनलाइट, चूँकि विंटर सीजन के प्लांट्स हैं अभी, तो फुल सनलाइट देनी है। ओवर वाटरिंग से बचना है, ओवर वाटरिंग नहीं करनी है। मिट्टी आपकी सूख जाए ऊपर की इंच, 1.5 से 2 इंच की लेयर, तभी आप वाटरिंग करें। ओवर कंपोस्टिंग से बचें, ओवर कंपोस्टिंग नहीं करनी है, कंपोस्टिंग देनी है। कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा आप लिक्विड कंपोस्ट दें, प्याज के छिलके से बनी हुई लिक्विड कंपोस्ट, बनाना पील फर्टिलाइज़र, तो आप लिक्विड कंपोस्ट दें। और पौधे की मिट्टी की, गमले की गुड़ाई समय समय पे करते रहें। और इन सब के बाद आप नीम ऑयल स्प्रे
या फिर घर पे बना हुआ, अदरक लहसुन मिर्च और उसमें नींबू के पेस्ट को पानी में घोलकर उससे पौधों पे स्प्रे करते रहें। इससे भी आपके पौधे स्वस्थ रहेंगे, और स्वस्थ अगर पौधे रहेंगे तो उसमें ढेर सारी फ्रूट्स बनेंगे। इन सब के अलावा अभी कुछ दिन पहले मेरी एक वीडियो आई थी कि आपको टमाटर के पौधे में जो सकर्स होते हैं उन्हें रिमूव करते रहना चाहिए, क्योंकि अगर आप सकर्स को रिमूव नहीं करेंगे तो जो सकर्स यहाँ से निकल रहे हैं वो आपकी मेन स्टेम को कमज़ोर करेंगे। आपका पौधा अपनी सारी एनर्जी इस सकर्स को मजबूत करने में लगाएगा, और सकर्स में जो फ्रूट्स आते हैं उनकी साइज़ बड़ी नहीं होती है, वो छोटी साइज़ के होते हैं। तो हमें वो छोटी साइज़ के फ्रूट्स लेने के लालच में हम उन सकर्स को प्रून नहीं करते हैं। तो हमारे पौधे में जो फल आते हैं वो छोटे छोटे आते हैं, तो हमें सकर्स को हटा देना है। मेन जो स्टेम होती है उसको करीब करीब 1 फुट तक हमको मेन स्टेम ले जाना है। उसके बाद जो सकर्स आते हैं उनको प्रून नहीं करना है हमें, उनमें जो फ्रूट्स आएंगे वो साइज में भी बड़े होंगे। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।